बात करता चलूँ, सबसे पहले तो हेस्को के खिलाफ जितने भी धरने और मुजाहरे किए हैं उनको एक जूं तक भी नहीं रेंग रही। अगर हमारा ये मीडिया उनकी असल शक्ल दिखा सके, और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, यकीनन हैदराबाद और सिंध और पाकिस्तान की आपके तवसुत से आवाज़ें जाती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के एक एक अरकान, कौमी असम्बली हो या अपना सूबाई असम्बली हो, सब लोग के इलेक्ट्रिक के हवाले से और हेस्को के हवाले से बार बार मुजाहरे भी कर रहे हैं और आवाज़ जहाँ तक उठा रहे हैं वो हम अपना पूरा भरपूर कोशिशों से उसकी आवाज़ भी उठा रहे हैं। यहाँ के जो सीओ साहब हैं और एक्सियन ऐसी जिन्होंने की तो यकीन दहानी ऐसी होती है जैसे सिंध गवर्नमेंट के वादे, हर एक राय अमल पे, हर एक अच्छी सोच के, जिस तरीके से ये हमें यकीन दिलाते हैं, लेकिन जो इनका नीचे तबके का एसटीओ से लेके एलएस तक उनों की दुकानें चल रही हैं, राड के नाम पर उनकी दुकानें चल रही हैं, ट्रांसफार्मर के नामों पर उनकी दुकानें चल रही हैं। लॉकडाउन 7 बजे तक लॉकडाउन होता है, एक ताजिर बेचारा अपने आप को किस तरीके से अपने घर को लेके चलता है, ये उन लोगों से पूछें कि जिनकी इलेक्ट्रिक की वजह से सिर्फ घंटों भी लाइट आती थी, आज वो पूरे पूरे दिन अपने रोज़गार को लेके खामोशी से घर में बैठे हुए हैं। सफ़ेदपोश लोग हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहे कि ये वापडा की इतनी नाहेदियाँ हैं कि यहाँ पर पूरे हैदराबाद को इन्होंने तबाह हाल के वजह इसको इतना बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी कोई भी मिसाल किसी भी तारीख में नहीं मिलती, जो इस 2020 के अंदर जिस तरह इन्होंने के इलेक्ट्रिक हो या हेस्को हो, इन्होंने जिस तरीके से हैदराबाद, कराची और अंदरून सिंध को तबाह कर दिया, यहाँ पर बिलखसूस हैदराबाद के अंदर यहाँ के सारे एस डी ओ नालायक हैं, जो आवाम से बद्दाखोरी, उनके LS उनके नीचे जो उनकी टीम है वो करती है, कभी राड के नाम पर, कभी बुश के नाम पर। और मैंने कल रात खुद एक ट्रांसफार्मर पर पेटाबाद के अंदर देखा तो ऊपर से जो उनकी लीड आती है उसके अंदर इन लोगों ने वो ज्वाइंट किया हुआ है, अगर आप राड डालते हैं तो वो ट्रांसफार्मर 2 घंटे बाद फट जाता है। ये इनकी फिर डिमांड की जाती है आवाम से कि आप इतने पैसे दे दें, हम ये कर देंगे। इस तरीके से इन लोगों ने हैदराबाद के शहरियों का जीना दुहाल किया हुआ है। खुदारा ये होश के नाखुन लें और राय अमली हमारी ईद के फौरी बाद मस्जिद गली गली और शहर में हर जगह धरने दिए जाएंगे और हम इनके खिलाफ एक बड़ी जिद्दोजहद के साथ इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।